विश्व कप 2023 का सबसे घातक मैच, दर्शक नाच रहे थे, गेंदबाज कांप रहे थे, क्विंटन डिकॉक और हेनरिक क्लासेन छक्के पेल रहे थे। घायल शेर की तरह मैदान में उतरे थे क्विंटन डिकॉक, अपने आखिरी विश्व कप में खेल डाली ऐतिहासिक पारी, रोने लगे बांग्लादेश के सभी गेंदबाज। विश्व कप के इतिहास में जिस टीम को पूरा क्रिकेट जगत चोकर्स के नाम से जाना करती है, उसी टीम के खिलाड़ियों ने विश्व कप 2023 में तबाही मचाया हुआ है। श्रीलंका और अंग्रेजों को खून की आंसू रुलाने के बाद आज बारी थी बांग्लादेशियों की। अपनी जिंदगी का आखिरी विश्व कप खेल रहे क्विंटन डिकॉक ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ऐसा तबाही मचाया कि स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शक क्विंटन डिकॉक को खड़े होकर सलामी देने लगे थे। 50 घंटे पहले इसी मैदान पर अंग्रेजों के खिलाफ क्विंटन डिकॉक बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए थे, लेकिन आज क्विंटन डिकॉक बांग्लादेश के खिलाफ घायल शेर की तरह मैदान में उतरे थे। क्विंटन डिकॉक की तूफानी बल्लेबाजी से रोहित शर्मा की सांसें रुक गई थी, बांग्लादेश के गेंदबाज मैदान में ही कांपने लगे थे। साकिब अल हसन गेंदबाजों को समझाते समझाते थक गए थे। रोहित शर्मा को भी डर सताने लगा था कि कहीं उनके दोहरे शतक का रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका का भी कोई बल्लेबाज ना तहस नहस कर दे। हालांकि क्विंटन डिकॉक दोहरा शतक से चूक गए और क्विंटन डिकॉक ने 140 गेंदों पर 174 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। इस दौरान क्विंटन डिकॉक के बल्ले से 7 लंबे लंबे छक्के भी देखने को मिलते हैं, तो वहीं पर 15 शानदार चौके भी जड़ते हैं। क्विंटन डिकॉक के अलावा हेनरिक क्लासेन ने भी गेंद के धागे खोले थे। क्लासेन के लंबे लंबे छक्कों से पूरा वानखेड़े स्टेडियम कांप उठा था। क्लासेन मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अपना क्लास दिखा रहे थे। क्लासेन वनडे को भी T20 के स्टाइल में खेल रहे थे। क्लासेन के तूफान को देखने के बाद ऐसा लगने लगा था कि साउथ अफ्रीका एक ही विश्व कप में 3 बार 400 का आंकड़ा तो नहीं छू पाएगी। दोस्तों, क्विंटन डिकॉक के आउट होने के बाद हेनरिक क्लासेन ने अकेले ही पूरा मोर्चा संभाल लिया था। हेनरिक क्लासेन ने इस मैच में सिर्फ 49 गेंदों पर 90 रनों की तूफानी पारी खेली थी। इस दौरान हेनरिक क्लासेन के बल्ले से 8 लंबे लंबे छक्के भी देखने को मिले, तो वहीं पर 2 चौके भी देखने को मिले। ऐसा लग रहा था कि हेनरिक क्लासेन मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लगातार दूसरी बार अपना शतक जड़ देंगे, लेकिन हेनरिक क्लासेन हसन महमूद की गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं 90 के स्कोर पर। डेविड मिलर ने भी आखिरी में गेंद के धागे खोलते हुए सिर्फ 15 गेंदों पर 34 रनों की तूफानी पारी खेली थी। इस दौरान डेविड मिलर के बल्ले से भी 4 लंबे लंबे छक्के भी देखने को मिले थे, तो वहीं पर कप्तान एडन मैक्रम ने भी 60 रनों की शानदार पारी खेली थी। इस तरह से साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 382 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया है। साउथ अफ्रीका ने इस विश्व कप में जितनी बार पहले बल्लेबाजी करी है, साउथ अफ्रीका ने हर बार 350 से ज्यादा का स्कोर बनाई है। दोस्तों, क्विंटन डिकॉक और हेनरिक क्लासेन की बल्लेबाजी पर आप सभी लोगों का क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए।